मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 सोशल इश्यूज का। ये लास्ट न्यूज़ है 6.7। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़, ये हम देखेंगे कुछ मेजर जो रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में। लर्निंग पॉवर्टी, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ करा एक रिपोर्ट जो कि टाइटल करता है रियलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग फ्रॉम लर्निंग टू लर्निंग फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो ये लर्निंग पॉवर्टी जो है डिफाइन है परसेंटेज ऑफ 10 ईयर्स जो कि पढ़ नहीं सकते ना कुछ लिख नहीं सकते। एज पर वर्ल्ड बैंक जो एस्टिमेट करता है मोर देन 53% जो 10 ईयर्स चिल्ड्रंस के हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में है। आइदर वो फेल हो चुके हैं कि वो पढ़ नहीं पा रहे या स्कूल से निकाले जा चुके हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए पॉवर्टी से निकालने के लिए या एजुकेशन देने के लिए ये वर्ल्ड बैंक ने एक लॉन्च करा है ग्लोबल टारगेट जो कि कट करता है लर्निंग पॉवर्टी एटलीस्ट हाफ बाय 2030। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट हार्नेसिंग इनोवेशन निधि एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो पायनियर्ड हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि देखता है नर्चर करता है आइडियाज और इनोवेशन जो कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स पे होता है। कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं निधि के जो सपोर्ट करते हैं हर स्टेज पे बर्डिंग स्टार्टअप फ्रॉम आइडिया टू मार्केट। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? इसका ऑब्जेक्टिव पहला है कि ये देखता है स्टूडेंट इनोवेशन को, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स IEDC, और इन प्रोग्राम को कमर्शलाइज करता है स्टेज पे, प्रमोट करता है स्टूडेंट स्टार्टअप। नेशनल सर्विस स्कीम, ये NSS जो है सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा लॉन्च करा गया था 1969 में। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, डेवलप करता है पर्सनैलिटी कैरेक्टर जो स्टूडेंट का होता है थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। NSS जो है कुछ इशूज़ पर बात करता है जैसे सोशल रेलिवेंस, और ये इवॉल्व करता है विद रिस्पॉन्स टू द नीड्स जो कम्युनिटी है। रेगुलर और स्पेशल कैंपिंग एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारी स्क्रीन पर ये है, कुम्हार सस्तीकरण प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो कि वर्क करता है एम्पावरमेंट ऑफ पोर्टर्स जो कि रिमोटेस्ट लोकेशन में है उनको ये हेल्प करता है, और ये रीच आउट करता है UP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, JNK, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और बड़े सारे स्टेट्स। ये प्रोग्राम बेसिकली पोर्टर्स के लिए जो कि ट्रेन करता है एडवांस पोर्ट्री में और न्यू टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक चाक है, मार्केट लिंकेज देते हैं, विजिबिलिटी देते हैं थ्रू KVIC एग्जीबिशन। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स इंडिया का जो रैंक है वो लो है 76 प्लेस पे आउट ऑफ 82 न्यू सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। इंडेक्स जो कंपाइल कराया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तरफ से कराया गया था, इसका जो बेंचमार्क है 82 ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे है जो कि डिज़ाइन था कि वो प्रोवाइड करे पॉलिसी मेकर्स जो कि आइडेंटिफाई करे एरियाज इम्प्रूविंग सोशल मोबिलिटी। ये प्रमोट करता है इक्वली शेयर अपॉर्चुनिटीज इकॉनमीज पे और डेवलपमेंट के रिगार्डलेस। सोशल मोबिलिटी समझ सकते हैं हम एज अ मूवमेंट इन पर्सनल सर्कमस्टांसेस जो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड हो, इंडिविजुअल हो, रिलेशन विद द पेरेंट्स। एब्सोल्यूट टर्म में जो एबिलिटी होती है चाइल्ड की एक्सपीरियंस करे बेटर लाइफ देन देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये इंडेक्स बेसिकली क्वान्टिफाई करता है फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स जो कि डिबेट करता है पॉलिटिकली और कल्चरली कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स में विदाउट फियर। ये एक रिजल्ट है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का जो कि रिसर्चर के बीच में हुआ था फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी अलग्रन न्यूनबर्ग, ये है और वी डेम इंस्टीट्यूट है। द स्कॉलर्स जो है रिस्क नेटवर्क पे है और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूट है। जो स्कोर होता है इसका बेसिकली 0 to 1 होता है, 0 बिंग वर्स्ट और 1 इज बेस्ट। इंडिया स्कोर लो करा गया एज इन द इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में, इसका जो स्कोर है 0.352 है जो कि क्लोजली फॉलोड बाय है सऊदी अरेबिया और उसके बाद लिबिया। तो ये चिंताजनक बात है हमारे लिए।
ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली देखता है फ्रीडम क्या है ह्यूमन की वर्ल्ड में, और ये बेसिकली इनका जो पैरामीटर्स होते हैं वो पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम पे रहते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा करी जाती है, काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है ये बेसिकली इंडेक्स रिलीज करा गया था इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका कोलैबोरेशन सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के साथ था। 2020 में SCI टॉप करा था सिंगापुर में, इसमें हेलसिनिक और जुरिक सेकेंड और थर्ड प्लेस पे आए थे। हायोपित हैदराबाद की बात करें तो ये 85th प्लेस पे है, और इंडिया में न्यू दिल्ली जो कैपिटल है वो 86th पोजिशन पे है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इंडेक्स IIT रिसेंटली IIT बॉम्बे की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने अर्बन क्वालिटी ऑफ इंडेक्स निकाला था, जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन कंपेयर करता है लाइफ क्वालिटी वेरियस सिटीज़ जो इंडिया में है, कुछ कॉमन डिनोमिनेशन और रैंक उसको उसके हिसाब से करा है। ये कैटेगरी कंपेरिजन करती है वाटर पावर इलेक्ट्रिसिटी लिटरेसी बहुत बड़े सारी चीज़ों को, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट PPD ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने एड्रेस कराया इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बाई PPD। PPD एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है 27 डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जिसमें इंडिया भी आती है। ये क्रिएट इसलिए करी गई थी, स्पेसिफाई करती है एक्सपैंडिंग और इम्प्रूविंग साउथ टू साउथ कोलाबोरेशन जो कि फील्ड में होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉपुलेशन और डेवलपमेंट। ये क्रिएट हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि होता है पॉपुलेशन और डेवलपमेंट कायरो में 1994 में। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस ये थर्ड राउंड ऑफ UPR प्रोसेस पे होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक सर्टन रिकमेंडेशन देते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाइल्ड राइट्स पे। UPR इन्वॉल्व करता है, रिव्यू करता है ह्यूमन राइट्स को, जो रिकॉर्ड करता है सारे UN मेंबर स्टेट्स को। UPR प्रोसेस जो है ऑस्पिशियस पे आता है ह्यूमन राइट काउंसिल पे। SCR एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो UN के सिस्टम के अंदर आती है, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। UPR एम करता है और ये इम्प्रूव करता है ह्यूमन राइट्स सिचुएशन सारी कंट्री पर, एड्रेस करता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो अकर होते हैं। सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। ये पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो क्रिएट करता है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट कंज्यूमर्स के लिए, शॉप ओनर्स के लिए जो कि किराना स्टोर्स में है। ये ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट करता है एजुकेट करता है किराना शॉप ओनर्स पे जो कि अक्रॉस कंट्री पे बात होती है COVID-19 सेफ्टी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो डिसाइड हुए थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होते हैं। मेरी सहेली इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इंडियन रेलवे जो जिसे लॉन्च करा था मेरी सहेली इनिशिएटिव, वो फोकस करता है किस चीज़ पे, सिक्योरिटी ऑफ वुमेन जो अक्रॉस जोन्स पे होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनिशिएटिव का, ये प्रोवाइड करती है सेफ्टी और सिक्योरिटी लेडी पैसेंजर्स को ट्रैवल करते हैं ट्रेन को फॉर द इंटायर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन। अदर सच इनिशिएटिव क्या इंक्लूड करते हैं, पहला है उज्ज्वला स्कीम जो कि प्रिवेंट करता है ट्रैफिकिंग और रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन रेजुनेशन और बड़ी सारी चीज़ें। सुधर ग्रे स्कीम बेसिकली एम करता है केटर करता है प्राइमरी नीड फॉर शेल्टर फूड क्लोथिंग मेडिकल ट्रीटमेंट और बड़ी सारी चीज़। सखी वन स्टॉप सेंटर्स एम करता है प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड सपोर्ट और असिस्ट करता है वुमेन अफेक्टिव बाय वायलेंस जो कि पब्लिक और प्राइवेट स्पेस पे होता है। ग्लोबल टीचर प्राइस 2020 ये प्राइमरी स्कूल टीचर है महाराष्ट्र में जिनने 1 मिलियन जीता है ग्लोबल टीचर प्राइस 2020। ये अवार्ड उनको रिकग्निशन मिला है एफर्ट्स में कि वो प्रमोट करें गर्ल्स एजुकेशन, ट्रिगर्ड करता है क्विक रिस्पांस और इसमें कोर टेक्स्ट बुक रेवोल्यूशन आता है इंडिया में। एनुअल प्राइज जो फाउंड हुआ था वारके फाउंडेशन में जो कि ग्लोबल चैरिटेबल फाउंडेशन में होते हैं 2014 में, और रिकग्नाइज करती है एक एक्सेप्शनल टीचर जो कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करता है प्रोफेशन पे। लीलावती अवार्ड 2020 ये एक इनिशिएटिव है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये बेसिकली एम करता है रिकग्नाइज करता है एफर्ट्स जो AICTE के होते हैं अफिलेटेड इंस्टीट्यूट जो ट्रीट करते हैं वुमेन को। ऑब्जेक्टिव क्या है,
क्रिएट करता है अवेयरनेस इशूज पर, जैसे सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ और न्यूट्रिशन और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ पे। ये अवार्ड नेम करा गया था 12th century बुक को, जिसका नाम है लीलावती। बुक जो रिटन हुई थी वो मैथमेटिशियन भास्करा टू के अंडर लिखी गई थी। नोबल पीस प्राइज 2020 का ये अवार्ड यूएन को मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि देखता है, कॉम्बैक करता है हंगर को, कंट्रीब्यूट करता है बेटरिंग कंडीशन ऑफ फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, प्रिवेंट करता है यूज़ ऑफ हंगर बीइंग वेपनाइज्ड, जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यूएन WFP रिस्टैब्लिश हुआ था 1961 में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1960 में हेल्ड हुआ था। लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्रेस करती है हंगर और प्रमोट करती है फूड सिक्योरिटी। इसके जो हेडक्वार्टर्स है रोम और इटली में है। ये बेसिकली इसका जो एम है, प्रोवाइड करता है फूड एमरजेंसी सिचुएशन में और रेजिलियंस बनाता है फूड सिक्योरिटी में, ताकि वो प्रोवाइड करे फूड हर किसी को। ये बेसिकली पब्लिक डोनेशन में वर्क करती है, जो गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स और इंडिविजुअल के बेसिस पर होती है, और जो मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के। WFP जो है एक यूएन का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, जो अचीव करता है SDG गोल्स, जो था एराडिकेशन ऑफ वर्ल्ड हंगर। WFP वर्क कर रहा है इंडिया के साथ 1963 से, और ये एक स्ट्रैटेजी से आया था, इसका नाम है कंट्री स्ट्रैटेजी प्लान फॉर इंडिया 2019-2023। रिसेंटली सेंटर ने अप्रूवल दिया है WPF को, और ये पायलट देखता है अनुप्रति प्रोग्राम, ऑटोमेटिक ग्रीन डिस्पेंसर्स, जो ATMs होते हैं राइस के लिए, और ये चेक होते हैं, माल प्रैक्टिस चेक करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा पूरा ख़त्म होता है सोशल इशू का। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।